एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक छजलैट स्थित छज्जूपुरा दोयम गांव पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान रमेश चंद्र हैं, जिन्होंने गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया है। बात अगर गाँव में आने वाले लाभों की करें तो गाँव में सभी पात्रों को ग्राम प्रधान द्वारा पूरा लाभ मुहैया कराया जाता है। वहीं बात अगर शिक्षा की करें तो इस गाँव में लगभग 275 बच्चे जूनियर व प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। वर्तमान प्रधान ने अपने गांव में पानी की आपूर्ति कराने के लिए लगभग 27 हैंडपंप भी लगवाए हैं। साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से 50 बिजली के पोल व 2 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवा दिए गए हैं। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि उनके द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया गया है, वहीं पंचायत भवन में टाइल्स भी लगवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जूनियर हाई स्कूल में टाइल्स भी लगवाई गई हैं व गांव में सोलर लाइटें भी उनके द्वारा लगवाई जा चुकी। गांव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से उनके द्वारा शौचालयों का निर्माण करवाकर पात्रों को आवंटित भी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इंदिरा आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को आवासों का आवंटन किया जा चुका है। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से प्रधान ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में बारात घर, अस्पताल, पंचायत भवन की मरम्मत आदि कार्य करवाएं, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं ग्रामीणों ने एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की और बताया कि गांव में पानी निकासी की व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन गांव में स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर हैं, जिसको सरकार जल्द से जल्द दुरुस्त कराए। मेरा नाम रमेश चंद्र, ग्राम प्रधान छजूपुरा दोयम, ब्लॉक छजलैट, तहसील कार्ड, जिला मुरादाबाद, थाना छजलैट। बता रहे हो ना, हमने जितना भी पैसा आया सब विकास कार्यों में लगाया है। सड़कें बनवाई हैं, सीसी टाइल बिछवाई हैं, जो भी जैसा शासन साधे सारे आज का सीसी टाइल बिछवाएंगे, सीसी टाइल बिछवाई हैं और सब रास्ते बनवाए हैं। प्राइमरी स्कूल में सीसी टाइल बिछवाई है हमने, आठवीं स्कूल में सीसी टाइल बिछवाई है, पंचायत भवन में जो है वो बिछवाई है, वो जो है टूटा हुआ है मगर नीचे उसके व्यवस्था ला वो जो हमने सीसी टाइल उसमें बिछवाई है। जितना भी पैसा है हमने विकास कार्यों में लगाया है। हमारी पशु अस्पताल की है, जो कि हमारे ढोर बहुत बहुत दूर लोग लेके जाते हैं, कम से कम 8 किलोमीटर हैं से जहाँ तक हम जाते हैं, तो इसकी मांग है हमारे लिए कि ये हमें मिल जाए तो गांव का बहुत हमारा जो है विकास होगा। यदि ढोर हमारे जीवित रहेंगे सही वो होगा। सुस्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ से 17 किलोमीटर मुरादाबाद है, जहाँ से हम अस्पताल में जाते हैं। यदि हमारे स्वास्थ्य सेवाएँ होंगी तो हमारे बच्चों को, बड़ों को, सबको, बहुत चीज़ों को हम फ़ायदा होगा। जो भी हमारी बीमारियों से होगा सब चीज़ की जानकारी हमें गाँव में मिलेगी और हमारे बच्चों जो बिना उसके जो पढ़ रहे हैं नई पीढ़ी है उसको बहुत जागरूकता इस चीज़ से मिलेगी कि हाँ हमारे में अस्पताल है, सब नई नई जानकारियाँ मिलेंगी।